कमाने का और एक तरीका मोबाइल से ज़्यादा थोड़ा मजबूर आना चाहिए। ये पाइप खराब था, गाड़ी का निकला हुआ, इसकी यहाँ की बोटी खराब थी, क्रैक थी। अपन ने क्या किया, काट डाले इसको। इसको काटने से क्या हो गया, ई पार्ट चेंज करना पड़ेगा कस्टमर के लिए काम करने का। ऐसी कोई पाइप खराब होता ना तो कस्टमर को वापस दे देने का, लेकिन हाथ में नहीं देने का, बाहर फेंक देने का नीचे जमीन पे। हेड खराब है, स्क्रैप है ये हमारे यहाँ, एक तो आप ले जाओ फेंक दो। कस्टमर लेके नहीं जाता है, 20 लाख की गाड़ी लेके आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है पाइप लेके जाना, एक आधा ले जाएगा बाकी को लेके नहीं जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये इधर से सब पार्ट बराबर है, ज़्यादा पुराना पाइप नहीं है, वॉल ओवर सब बराबर है, यहाँ की गोटी खराब थी। ये इस टाइप का गोटी आएगा मैजिक में। ये क्रेटा का, ये हुंडई वाला फिटिंग्स आता है, ये वाला ये लगा लो। ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये फाइलिंग करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बर था, हाँ बस हो गया। ये ऐसा लगा लो, ब्रेसिंग कर लो, पाइप तैयार। अभी अपन इसको ब्रेसिंग करेंगे। इसमें ब्रेशिंग करने के लिए दो टाइप के पाइप ब्रेजिंग रॉड आएगा, एक तो 4047 फ्लक्स लगा के ब्रेजिंग करो, या फिर रिपेयरिंग कर रहे हो तो कोर फ्लक्स रॉड, ये वाला, ये वाले हमारे पास इस टाइप के रॉड मिलते हैं। नया पानी की जरूरत नहीं है रिपेयरिंग की, इसमें ये ऐसे कोर फ्लक्स रॉड आता है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं, 40 रुपये पर पीस ही आता है। 20-50 पीस लेके रख दो, 2-4 महीने अपने आराम से निकल जाएंगे। सिर्फ इतना चाहिए कि आपको ब्रेजिंग सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक दो बार कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, जूने पाइप पे ट्राई करो, शायद अपने LPG टॉर्च से वेल्डिंग हो जाता है। तो ये वाले रॉड यूज़ करो, कोर फ्लक्स रॉड है। अभी आपको ये वाला पाइप हम बना के दिखाते, ये एक वेल्डिंग रॉड निकाला बाहर, वेल्डिंग करते हुए ध्यान में रखने का, इसमें जो वॉल रहता है ना वो निकाल लेने का, नहीं तो गर्म होकर पिघल जाएगा। आपके पास अगर वॉल का शॉर्टेज है तो काम में नहीं आएगा, अन्य प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाला रॉड वॉल अपन ने बाहर निकाल लिए, इस पर रख दिया, अल्लाह बाद में आपके सामने फिटिंग करेंगे। ये वाला गोटी बता दिया आपको, ये वाला हुंडई का फिटिंग है, हम लोग खुद बनाते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, आप माल ले सकते हो। ये देखो अभी लगाया है, डायरेक्शन 90 डिग्री से थोड़ा सा बाहर आता है अपना, क्योंकि रेडिएटर का पोर्शन आता है, इसलिए थोड़ा बाहर रखो। अब नहीं भी रखा तो खींच के बाद में आप फिटिंग के एडजस्ट हो जाता है। यहाँ कपड़ा लगाओ नहीं तो मत लगाओ, आपको कपड़ा लगाना जरूरी है। हम लोग एक्सपर्ट इसमें थोड़ा सा, या हीटिंग के हिसाब से कपड़ा नहीं लगा रहे क्योंकि इतना पोर्शन गर्म करने का इतना नहीं, तो हम कपड़ा लगाएंगे। ये देखो यार फिटिंग अपन पकड़ लिया ऐसा। अब इसको ब्रेजिंग करेंगे, तो इसको अभी कोर फ्लक्स रॉड यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें फ्लक्स वगैरह लगाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ही फ्लक्स आता है। ये अपना सादा LPG टॉर्च, LPG सिलेंडर और ये टॉर्च, इससे आप ब्रेजिंग करो, कोई ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और हर बार नए नए पाइप खरीदने की जरूरत नहीं है। आप काम करोगे, कमाई करेगा स्टेयर पार्ट वाला, इसलिए खुद 2 पैसे ज़्यादा कमाना चालू करो। थोड़ा सा नॉलेज लेके, जिस टाइप से रिस्क लेके आप कारीगरी का बिजनेस कर रहे हो वैसा ही वेल्डिंग का भी काम सीख लो। दुकान पे कोर प्लस रॉड से ब्रेकिंग करो, सीधा सीधा, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ से भाप निकलना चालू हो गया है, यानी इसके अंदर ऑयल वगैरह सब जल रहा है। गैस वेल्डिंग अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, ज़्यादा टेम्परेचर तो जाएगा नहीं, परफेक्ट वेल्डिंग होगा। हम लोग सिंपल प्रोसेस से काम करते हैं। यूज करने का कोर फ्लक्स ब्रेकिंग रॉड इच, ये गर्म अच्छा होने देने का, लेकिन कलर भी नहीं, ज़्यादा डैमेज भी नहीं होना चाहिए, डैमेज आएगा तो पाइप खराब हो जाएगा। ये देखो ब्रेकिंग हो रहा है, हो गया ब्रेजिंग। अभी इसको ठंडा कर ले, गर्म है ये देखो, अभी ठंडा हो जाएगा। ये देखो फ्लक्स इसका निकल गया, थोड़ा सफेद रहता है, अच्छा दिखता है, कोई गंदा नहीं दिखता है पार्ट।
ब्रेजिंग हो गया, सब हो गया, बस ओरिंग डालो, पाइप अपना तैयार। इस तरह से माल ओके करके रखो। और ये जो यहाँ अपना पहला जो बोल्ड लगा था ना, इसका तो मार्किंग आता है, तो फाइलिंग कर लो, हल्का फाइलिंग कर लो, मार्किंग निकल जाएगा। और बाद में इसके इसका एक एसिड आता है, एसिड वो ब्राइटनर आता है, वो भी हमारे पास मिलता है, वो भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे पाइप कैसे ब्राइट किए जाते हैं, हम आपको सिखाएंगे। नहीं तो यहाँ जो मार्किंग था ना, ये जो पाइप का राउंड बोल्ड का जो बोल्ड टाइट किए थे अपन ने 12 का, तो उसका जो मार्किंग आता है, हल्का फाइलिंग करके निकाल लो। नया गोटी लगाए तो भी चलता है। बस फाइलिंग हो गया, शांत रह के पैसा कमाने का, ज़्यादा बवाल नहीं करने का, कुछ नहीं। नया पाइप हो गया, एसिड से धो लो उसको, ब्राइट हो जाता। एक पन्नी ले लो, पन्नी में पैक करके रख दो, कोई ब्रांड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना कस्टमर को दिखाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा दो, पैसा कमाओ। बस यही पैसा कमाने का तरीका अभी मैं आप सब टेक्नीशियन को सिखाने वाला हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा, सीखोगे नहीं, स्पेयर पार्ट वाले की दुकान वालों को पैसा देते रहोगे। ये हो गया अपना पाइप तैयार। थैंक यू।